ग्वालियर में यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह पर पड़ाव थाना पुलिस ने एफआईआर की है। मितेंद्र पर यह कार्रवाई रैली में अनुमति से ज्यादा वाहन लाने पर हुई है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 12 अप्रैल को मितेंद्र शपथ लेने के लिए भोपाल जा रहे थे। इससे पहले फूलबाग मैदान में 50 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। जब पुलिस ने रोका तो यहां नोकझोंक भी हुई थी। मितेंद्र के पास 2 गाड़ियों के साथ ले जाने की अनुमति थी, लेकिन काफिले में करीब 50 गाड़ियां थी। इसी के चलते पड़ाव थाना पुलिस ने सहायक रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले के बाद एसडीएम ने सहायक रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा निर्वाचन के माध्यम से जांच कराई है। मितेंद्र को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें गाड़ियों की अनुमति के बारे में पूछा गया है। मितेंद्र के पास सिर्फ 2 गाड़ियां की ही अनुमति थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी से लेके भले मुख्यमंत्री यादव हुए, सभी लोग इतने भयभीत है कांग्रेस से कि हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो अपना पद ग्रहण समारोह में जा रहे थे, और उनके साथ बिल्कुल निश्चित रूप से होता है कि यदि नेता जाता है तो उसके फॉलोअर भी इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें एक सरकारी अवेलना का 188 का उन्होंने कार्रवाई करके उनके ऊपर एफआईआर कर दी। वो सिर्फ और सिर्फ डराने की और धमकाने की बात कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जी स्पष्ट कहते हैं डरो मत, तो हम डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। और उसके विपरीत देखिए, मैंने व्यक्तिगत शिकायत की थी नरेंद्र मोदी जी और उनके नेताओं के नाम से पिचकारियां बेची जा रही थी, तब किसी सरकारी कर्मचारी ने या चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व में भी हमारी बहुत शिकायतें भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो एक तरफा कार्रवाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कितनी भी कार्रवाई कर लो, कांग्रेस ही डरने वाला नहीं है। कांग्रेस का जो डीएनए है वो फ्रीडम फाइटर्स का डीएनए है, हमारा जो डीएनए है वो चोरों का डीएनए नहीं कि हम भयभीत हो जाएंगे। आदर्श आचार संहिता के पालन में एफएसटी अधिकारी अभिनव त्रिवेदी द्वारा कल जो है राइटिंग में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा एसडीएम द्वारा 2 वाहनों की अनुमति ली गई थी, और इसके अगेंस्ट जो है उन्होंने धारा जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए 50 गाड़ियों का काफिला निकाला था, उस पर से धारा 188 के तहत उनके तथा अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।